पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले टेस्ट मैच का नतीजा आ गया। फवाद आलम की शानदार सेंचुरी, मोहम्मद रिजवान की शानदार निस्फ सेंचुरी, पाकिस्तान की लंबी शराकतों से शिकस्त को टालने के इरादे अधूरे के अधूरे रह गए। अजहर अली का कहना था कि कोई बैट्समैन सेट हो जाए तो पूरा दिन मुकम्मल खेल सकता है, लेकिन ये सिर्फ बातें ही रह गईं। तफसीलात के मुताबिक सीनियर पाकिस्तानी बैट्समैन अजहर अली का कहना था कि हम टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में बड़ी शराकतदारी कायम करने की कोशिश कर रहे थे। हमारा प्लान यही था कि जो बैट्समैन सेट हो जाए वो क्रीज पर ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सके। फवाद आलम मैदान में आए तो मैंने इन्हें इत्माद दिया, कोशिश थी कि उनके साथ बड़ी शराकतदारी कायम करता। एक सवाल पर अजहर अली ने कहा कि पिच पर पुरानी गेंद थोड़ा रुक कर आ रही है, अब ये एशियाई कंडीशंस में पांचवें रोज की पिच जैसी नजर आ रही थी। दोस्तों, न्यूजीलैंड के 373 रन के हदफ के ताकुब में कौमी टीम बुरी तरह नाकाम रही और हदफ हासिल करने में नाकाम रही। यू न्यूजीलैंड ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच जीत कर सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोस हासिल करने के लिए इन्फॉर्मेशन आइकन को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें।